हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिदम एंड आज मैं बात करना चाहूंगा असैसिन्स क्रीड 3 की स्टोरी लाइन के बारे में, जो प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360 एंड पीसी में 2010 को रिलीज हुई थी। ये असैसिन्स क्रीड रेवलेशन का सीक्वल है एंड अगर आपने मेरी पहली असैसिन्स क्रीड की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया आप पहले मेरी उन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये स्टोरी समझने में आसानी रहेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट डे में गेम की स्टोरी जहां से असैसिन्स क्रीड रेवलेशन एंड हुई थी वहीं से कंटिन्यू होती है। डेसमंड अपने फादर विलियम माइल्स, रेबेका क्रेन एंड सोन हैस्टिंग के साथ न्यूयॉर्क में ग्रैंड टेंपल तक पहुंचता है। एप्पल ऑफ ईडन की मदद से डेसमंड एंड टीम टेंपल का गेट ओपन करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डिजास्टर दिसंबर 21, 2012 को होने वाला है। एंड आपको मैं फन फैक्ट बताना चाहूँगा, 2012 में ये सच में रूमर था कि दिसंबर 21, 2012 को दुनिया तबाह हो जाएगी एंड उसी रूमर से ही ये गेम इंस्पायर्ड है। वापस गेम की स्टोरी में, डेसमंड एंड टीम को पता चलता है कि टेंपल के मेन वॉल्ट को ओपन करने के लिए उन्हें की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ डेसमंड ब्लीडिंग इफेक्ट के कारण बेहोश पड़ जाता है एंड उसकी टीम डेसमंड को दोबारा एनिमस में डाल देती है। तभी डेसमंड ईयर 1754 में अपने असेंस्टर हेथम कैनवे की मेमोरी को रिलीव करता है, जिसमें हेथम लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में मीको नाम के व्यक्ति को मार उससे ग्रैंड टेंपल की, ऑल्सो नोन एज मेडेलियन, ले लेता है। हेथम एंड उसके दोस्त के हिसाब से मेडेलियन से वो द वंस हु केम बिफोर के स्टोर हाउस को ओपन कर सकते हैं। उनके हिसाब से ये जगह अमेरिका में कहीं पर है, इसीलिए हेथम वहां से अमेरिका की तरफ निकलता है। अमेरिका में बोस्टन पहुंच हेथम चार्ल्स ली, विलियम जॉनसन, थॉमस हिकी, बेंजामिन चर्च एंड पिट केन को मिलता है, जो उसकी लोकेशन को ढूंढने में हेल्प करते हैं। हेथम को पता चलता है कि अमेरिकन आदिवासी लोगों को टेंपल की लोकेशन के बारे में जानकारी हो सकती है, इसीलिए हेथम आदिवासियों जिनको ब्रिटिशर द्वारा गुलाम बनाया हुआ है उन्हें फ्री करता है। इसी के साथ हेथम आदिवासियों में से एक कैनहिट जियो, ऑल्सो नोन एज जियो, को भी फ्री करता है। हेथम जियो की ट्राइब के लोगों को बचा और जनरल ब्रॉड डॉग को मार उसका ट्रस्ट जीत लेता है, जिससे जियो हेथम को टेंपल के गेट तक ले जाती है, पर मेडेलियन से गेट ओपन नहीं हो पाता है। एंड हेथम को ये नहीं पता होता है कि गेट को ओपन करने के लिए उसे एप्पल ऑफ ईडन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ हेथम जियो से प्यार करने का नाटक करता है, जिससे जियो थोड़े टाइम बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी के साथ हेथम टेंपल को ढूंढने के अपने प्लान को कंटिन्यू रखता है एंड चार्ल्स ली को अपने ऑर्डर का मेंबर बना लेता है, जिससे पता चलता है कि हेथम एंड उसके बाकी सभी दोस्त टेंपलर्स हैं। यू आर अ टेंपलर, मे द फादर ऑफ अंडरस्टैंडिंग गाइड अस। ये देख सरप्राइज डेसमंड एनिमस से निकलता है। You all saw that, right? इसी के बीच डेसमंड एंड उसके फादर विलियम माइल्स के बीच बहस होती है। Turns out you're no better than the fucking Templars. सभी बात को खत्म करने के बाद डेसमंड वापस एनिमस में जाता है, जहां पर इस बार डेसमंड हेथम की बजाय ईयर 1760 में रेटन काहेटन की मेमोरी को रिलीव करता है। रेटन काहेटन जियो एंड हेथम कैनवे का बेटा है। अपनी विलेज में खेलते हुए रेटन काहेटन को चार्ल्स ली एंड बाकी टेंपलर्स पकड़ लेते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो उसकी विलेज के एल्डर से बात करना चाहते हैं। What is your name? Charles Lee. Why do you ask? So I can find you. एंड इसी के साथ टेंपलर्स उसे मार उसको बेहोश कर देते हैं। होश में आकर वो वापस अपनी विलेज की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि टेंपलर्स ने उसकी विलेज को जला दिया है। वहां किसी तरह वो अपनी माँ को ढूंढता है जो वहां फंसी होती है। वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है पर वो उसमें नाकाम रहता है एंड उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही मर जाती है। 9 साल बाद टीनेजर रेटन काहेटन के पूछने पर उसकी विलेज की एल्डर उसे बताती है कि वो इस विलेज को छोड़कर इसीलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको ग्रैंड टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। एंड इसी के साथ वो उसे एक क्रिस्टल सफायर देती है, उसे टच करने पर सफायर एक्टिवेट हो जाता है एंड इशू मेंबर जूनो उसके साथ कम्युनिकेट करने लगती है एंड उसे बताती है कि वो और उसके विलेज के सभी लोग ग्रैंड टेंपल के गार्डियंस हैं
एंड उसे बताती है कि अगर वो इस विलेज से नहीं निकलता है तो चांसेस हैं कि ये विलेज पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसीलिए जूनो उसे वहाँ से निकल एकिलीस नाम के असासिन को ढूंढने को एंड उससे ट्रेनिंग लेने को कहती है और उसे असासिन्स का सिंबल भी दिखाती है। इसी के साथ वो वहाँ से निकल एकिलीस को ढूंढने जाता है एंड फाइनली उसे ढूंढने के बाद वो उसे ट्रेन करने को कहता है, पर एकिलीस उसे ट्रेन करने के लिए मना कर देता है। एकिलीस के बार बार मना करने पर भी वो वहाँ से नहीं जाता है। एक रात को वो देखता है कि कुछ लुटेरे एकिलीस के घर में हमला करने के लिए आए हैं। वो उनसे लड़ता है एंड लड़ाई के बीच एकिलीस पीछे से आए सभी को मार देता है और इसी के साथ एकिलीस उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है। एकिलीस उसे असासिन्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है और कहता है कि अमेरिका में असासिन्स का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एंड इसी के साथ एकिलीस उसे असासिन्स की सभी स्किल्स भी सिखाता है। इसी के बीच एकिलीस उसके साथ बोस्टन सप्लाइज लेने जाता है एंड उसको नॉर्मल लोगों में अच्छी तरह जुड़ने के लिए नया नाम देता है, कॉनर, जो कि उसके मर चुके बेटे का भी नाम था। बोस्टन में कॉनर अपने फादर हेथम को देखता है जो कॉनर को बोस्टन मैसेकर के इवेंट में फंसा देता है, जहां पर पूरे शहर में कॉनर वांटेड हो जाता है। वहां कॉनर की मदद के लिए रियल हिस्टोरिकल फिगर सैमुअल एडम्स उसकी मदद करता है, जिसकी हेल्प से कॉनर वापस एकिलीस के घर पहुंचता है, जहां पर एकिलीस उसे हिडन ब्लेड देता है और उसे रॉबर्ट फॉल्कनर से मिलाता है, जिसके साथ कॉनर एक्विला नाम की शिप को रिपेयर कर रॉबर्ट फॉल्कनर से शिप चलाने के बारे में सीखता है। वापस एकिलीस के घर एकिलीस कॉनर को असासिन रोब्स दे देता है एंड फाइनली उसे असासिन ब्रदरहुड का मेंबर बनाता है। Once upon a time we had a ceremony on such occasions, but I don't think either of us are really the type for that. Welcome to the Brotherhood, Connor. इसी के बीच एनिमस के बाहर असासिन टेंपल के पावर सोर्स को लोकेट करते हैं। डेसमंड उसे लेने के लिए मैनहट्टन में जाता है। वहां पर डेसमंड को असासिन टर्न्ड टेंपलर नेम्ड डैनियल क्रॉस मिलता है एंड अगर आपने असासिन्स क्रीड की कॉमिक्स द फॉल एंड द चेन पढ़ी है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। डैनियल क्रॉस से लड़ उसे बेहोश कर डेसमंड पावर सोर्स ले लेता है और वापस ग्रैंड टेंपल में आता है। वापस एनिमस में एंटर कर ईयर 1773 तक कॉनर पूरा ट्रेन हो चुका है एंड कॉनर के पास उसके बचपन का दोस्त एंड ट्राइब मेंबर आता है, जो उसे बताता है कि उसकी विलेज को टेम्पलर मेंबर विलियम जॉनसन खरीदना चाहता है और उन्हें विलेज से निकालना चाहता है एंड इसी के साथ कॉनर विलियम जॉनसन को असासिनेट कर देता है। एंड इसी के बीच कॉनर रियल हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कि बोस्टन टी पार्टी, बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन की सबसे पहली लड़ाई थी, उसमें सैमुअल एडम्स एंड बाकी लोगों की हेल्प करता है और बहुत से हिस्टोरिकल फिगर से भी मिलता है, जैसे कि पॉल रिवरी, विलियम डेव्स, जेम्स बैरेट पुटनम और इसके अलावा बैटल ऑफ बंकर हिल में जॉन पिटकेन को असासिनेट करता है, जिससे उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि टेम्पलर्स जॉर्ज वॉशिंगटन को मारने का प्लान कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कॉनर को पता चलता है कि थॉमस हिकी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है एंड ये पता लगाने पर कॉनर थॉमस को ढूंढ उसे पकड़ लेता है। तभी ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ पर दोनों को पकड़ प्रिजन में डाल देते हैं। इसी पर हिकी को वहाँ से चार्ल्स ली और हेथम द्वारा प्राइवेट सेल में मूव करवा लिया जाता है, जिस पर कॉनर किसी तरह अपने सेल से निकल हिकी को उसके सेल में मारने के लिए वहां पर जाता है, पर वहां उसके सेल पर पहुंच वहां पर उसे प्रिजन के वार्डन की डेड बॉडी मिलती है और वहां पर कॉनर को हिकी और चार्ल्स ली दिखते हैं एंड वो कॉनर को वार्डन को मारने और जॉर्ज वॉशिंगटन को मारने के प्लान में फंसा देते हैं। All those years ago, the child in the forest was you. I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? जिसके बाद कॉनर को फांसी देने के लिए लाया जाता है, जहां पर जॉर्ज वॉशिंगटन के खुद देखने के लिए आया होता है, पर एकिलीस उसे बाकी असासिन्स की मदद से बचा लेता है, जिससे हिकी डर कर जॉर्ज वॉशिंगटन को मारने की कोशिश करता है, पर कॉनर उसे बचा हिकी को असासिनेट कर देता है।
वापस एनिमस के बाहर आप टेंपल के दूसरे पावर सोर्स को लोकेट कर डेसमंड ब्राजील में डैनियल क्रॉस से बचते हुए दूसरे पावर सोर्स को भी रिकवर करता है। वापस टेंपल में आ उन्हें एक पावर सोर्स इजिप्ट में मिलता है, पर तभी विलियम माइल्स डेसमंड को एनिमस में रह कॉनर की मेमोरी को रिलीव कर मेडालियन की लोकेशन को ढूंढने को कहता है और खुद पावर सोर्स को लेने चले जाता है। वापस एनिमस में जा ईयर 1777 में कॉनर वॉशिंगटन को मिलता है, जहां पर वॉशिंगटन बताता है कि बेंजामिन चर्च ने कॉन्टिनेंटल आर्मी से उसका सामान चुरा लिया है। उसे ढूंढते हुए कॉनर अपने फादर एथम कनवे को मिलता है, जो कॉनर को बताता है कि बेंजामिन चर्च ने टेम्पलर्स को भी धोखा दिया है एंड वो भी उसे ढूंढ रहा है। दोनों पुरानी बातों को भूल एक साथ चर्च को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के बीच एथम बताता है कि उसने चार्ल्स ली को विलेज पर हमला करने का ऑर्डर नहीं दिया था। Charles Lee is responsible for her death by your order. It's impossible. I gave no such order. I spoke the opposite, in fact. I told them to give up the search for the precursor site. We were to focus on more practical pursuits. It is done. And I'm all out of forgiveness. Hatham and Connor Aquila se church tak pahunch use maar dete hain. एंड इसी के बीच कॉनर को हेथम के आइडियाज कुछ हद तक सही लगते हैं एंड वो टेम्पलर्स एंड असासिन्स को एक साथ मिलकर काम करने के आइडिया को भी सोचता है। इसी के बीच हेथम को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन कॉनर के ट्राइब के लोगों को वहां से निकालने का ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी ट्राइब के लोग ब्रिटिशर्स के साथ हैं। एंड हेथम ये भी बताता है कि 14 साल पहले जब कॉनर की माँ जियो मरी थी तभी भी ये ऑर्डर जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही दिया था। दोनों की बातों को सुन कंफ्यूज्ड कॉनर दोनों से अपना नाता तोड़ उन्हें वार्न करता है कि किसी ने भी उसकी ट्राइब के लोगों को कुछ किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, एंड खुद अपनी ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट करने जाता है। यहाँ पर जा कॉनर देखता है कि चार्ल्स ली अपने साथ ट्राइब मेंबर को ले गया है। कॉनर अपने बचपन के दोस्त के पास पहुँचता है, पर चार्ल्स ली की बातों में आ वो कॉनर को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ मिला एंड करप्टेड समझ कॉनर पर हमला कर देता है, जिस लड़ाई में कॉनर और कोई ऑप्शन ना होते हुए अपने बचपन के दोस्त को मार देता है। वापस एनिमस से बाहर निकल डेसमंड देखता है कि एब्स्ट्रगो ने उसके फादर को पकड़ लिया है एंड उसे सेम एब्स्ट्रगो फैसिलिटी में रखा गया है जहां पर डेसमंड को असासिन्स क्रीड 1 में रखा गया था। उन्हें एक वीडियो मैसेज भी आता है जिसमें वॉरेन वीडिक उन्हें विलियम माइल्स के बदले एप्पल ऑफ ईडन देने को कहता है। ये सुन डेसमंड वहां जाता है जहां पर डेसमंड को दोबारा से डैनियल क्रॉस मिलता है। उसे मारकर डेसमंड वीडिक के पास पहुंचता है जहां पर बहुत से सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जिन्होंने विलियम माइल्स को बंदी बनाया होता है। वीडिक डेसमंड से एप्पल ऑफ ईडन मांगता है, जिस पर डेसमंड एप्पल की पावर की मदद से वीडिक एंड बाकी सभी गार्ड्स को मार देता है और विलियम माइल को बचा पावर सोर्स के साथ वापस ग्रैंड टेंपल में आता है। टेंपल में पावर सेल्स को लगाते हुए डेसमंड को जूनो मिलती है जो उसे पहले डिजास्टर के बारे में बताती है। वापस एनिमस में कॉनर ये मानता है कि वो अपने फादर हेथम की सोच असासिन्स के साथ मिला सकता है। इसी के साथ कॉनर चार्ल्स ली से बदला लेने के लिए फोर्ट जॉर्ज पर हमला कर देता है। वहां पर पहुंच कॉनर को पता चलता है कि चार्ल्स ली वहां से पहले ही भाग चुका है, पर उसका सामना हेथम से होता है। कॉनर हेथम को उसके साथ मिलने को कहता है, पर हेथम इस बात को डिनाई करते हुए उससे लड़ता है। फाइट में एट लास्ट कॉनर हेथम को मार देता है। Still, I'm proud of you in a way. I should have killed you long ago. हेथम की मौत के बाद कॉनर अपने बाल काट लेता है एंड फेस पर वॉर पेंट लगा हेथम के फ्यूनरल पर चार्ल्स ली को मारने जाता है। इंजर्ड होने की वजह से गार्ड्स कॉनर को पकड़ देते हैं। तभी हेथम की मौत से दुखी चार्ल्स ली कॉनर को कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि वो कॉनर के जो भी क्लोज है उन सभी को खत्म कर देगा। इसी के साथ चार्ल्स ली वहां से चले जाता है। तभी कॉनर गार्ड्स को मार किसी तरह वहां से निकलता है। वहां से निकल कॉनर को पता चलता है कि चार्ल्स ली बोस्टन में है। वहां उसे लोकेट कर कॉनर उसका पीछा करता है, जिसके बाद पीछा करते हुए दोनों गिर जाते हैं, जिससे कॉनर के पेट में एक लकड़ी घुस जाती है। You try so hard, but it always ends the same. Yet you fight. You resist. Why? Because no one else will. इसी के साथ कॉनर चार्ल्स ली के पेट पर गोली मार देता है, जिससे इंजर्ड चार्ल्स ली वहां से भाग जाता है। कॉनर किसी तरह उसका पीछा करते हुए एक बार तक पहुंचता है, जहां पर इंजर्ड चार्ल्स ली कॉनर को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे पीने के बाद कॉनर चार्ल्स ली को मार देता है और चार्ल्स ली से ग्रैंड टेंपल की ले लेता है। कुछ महीने बाद कॉनर वापस अपने ट्राइब विलेज में जाता है, जहां पहुंच कॉनर देखता है कि सभी लोग वहां से जा चुके हैं, पर उसे वहां पर एक क्रिस्टल सफायर मिलता है जिसे वो कॉनर के लिए पीछे छोड़ चुके हैं।
सफायर को एक्टिवेट करने के बाद कॉनर को दोबारा जूनो दिखती है जो उसे मेडालियन को छुपाने को कहती है। ये बात को मानते हुए कॉनर मेडालियन को एकिलिस के मरे हुए बेटे के ग्रेव में छुपा देता है। I know where the key is. ये पता चलने पर डेसमंड एनिमस से निकल मेडालियन को रिकवर करता है। मेडालियन ले डेसमंड वापस ग्रैंड टेंपल तक पहुंच फाइनली डोर को ओपन करता है जहां जूनो डेसमंड को पेडेस्ट्रियल को टच कर उसे एक्टिवेट करने को कहती है जिससे डेसमंड दुनिया को आने वाली सोलर फ्लेयर से बचा पाएगा। पर इसी के बीच वहां मिनर्वा आती है जो डेसमंड को ये ना करने को कहते हुए बताती है कि पेडेस्ट्रियल को एक्टिवेट करने से सभी सोलर फ्लेयर से तो बच जाएंगे पर डेसमंड मर जाएगा एंड जूनो इस टेम्पल से आजाद हो जाएगी क्योंकि जूनो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसीलिए फर्स्ट सिविलाइजेशन मेंबर्स ने जूनो को इस टेंपल में लॉक कर दिया था। मिनर्वा डेसमंड को कहती है कि वो ये ना रोके जिसके बाद बहुत ही कम लोग बचेंगे जिनमें से डेसमंड एंड उसकी टीम भी होगी एंड समय के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी एंड डेसमंड उन्हें गाइड करेगा। इसी के साथ वो रिलीजियस आइकन बन जाएगा एंड उसके मरने के बाद लोग उसे भगवान जैसा पूजने लगेंगे। डेसमंड ये उम्मीद में कि सभी उसके मरने के बाद जूनो को रोक लेंगे एंड अपनी टीम को वहां से निकाल कर पेडेस्ट्रियल को एक्टिवेट कर अपना सैक्रिफाइस कर दुनिया को बचा लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जूनो डेसमंड की बॉडी के पास आती है और कहती है कि डेसमंड का पार्ट खत्म हुआ एंड अब उसका समय आ गया है एंड इसी के साथ गेम खत्म होती है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।